जो अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के बाद आप लोगों में बहुत ज्यादा जोश आ गया है। केजरीवाल की हर की वजह से हमारे बच्चे बहुत ही स्कूल में पढ़े और हमारे लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, हम भी बसों में फ्री जाते हैं, हमें ये नहीं पता कितना किराया लगता है। बच्चों को शिक्षा मिल रही है, आने जाने के लिए महिलाओं को फ्री बस दे रखे हैं। केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है और अच्छा विकास की बात करता है। केजरीवाल ये जो अभी सीएम बनेंगे वो ही बनेंगे केजरीवाल। लोगों में जोश है कि हमारी लेट से फ्री है, बत्ती फ्री है, पानी फ्री है और बुजुर्ग को तीरथ कराया। ऐसी किसी सरकार ने बुजुर्ग को तीरथ नहीं कराया। बिल्कुल सातों सात सीट मिलेगा, कहूँ टक्कर नहीं है। पहला नंबर हमारा आम आदमी सीएम का है। झाड़ू जीतेगा, पूरा सपा कर देगा सबको। अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत के बाद आज महरौली में इन्होंने जनसभा करी है और ऐसे में यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पे आम लोग भी हैं और तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद कितनी जो मुकाबला जो कड़ा माना जा रहा था अब कितना कैसा माना जा रहा है। बिल्कुल, जो अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई के बाद आप लोगों में बहुत ज़्यादा जोश आ गया है और बहुत ही क्रांति आ गई है। मैं सोचता हूँ इंडिया गठबंधन जो है इस बार सरकार बनने के लिए जा रही है। दिल्ली में सातों की सातों सीटें आ रही हैं, पंजाब में 13 की 13 सीटें आ रही हैं और हरियाणा में भी सीट आ रही हैं, कुछ गुजरात में, कुछ गोवा में। तो इंडिया गठबंधन की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार, तो इसमें हिस्सेदारी पूरी होगी। कितनी मजबूती मिलेगी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को बेल्ट मिलने के बाद? बहुत मजबूती मिल रही है आम आदमी को यहाँ पे, जो है उनकी वही छवि बनी हुई है शिक्षा को लेकर के। बच्चों को शिक्षा मिल रही है, आने जाने के लिए महिलाओं को फ्री बस दे रखे हैं। इस बार आप वोटिंग डालेंगे तो क्या मुद्दे जहन में रहेंगे इस बार? केजरीवाल के, केजरीवाल ये जो अभी सीएम बनेंगे वो ही बनेंगे केजरीवाल। क्यों? उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ करा है और हम उन्हीं के सब। भारतीय जनता पार्टी बोलती है, लगातार आरोप लगाती है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, दिल्ली में कोई विकास नहीं करवाया। नहीं, बहुत अच्छा विकास करवाया, हमारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ पाते प्राइवेट स्कूल में। केजरीवाल की हर की वजह से हमारे बच्चे बहुत ही स्कूल में पढ़े और हमारे लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, हम भी बसों में फ्री जाते हैं, हमें ये नहीं पता कितना किराया लगता है। इस बार आने वाली है आम आदमी सातों की सातों आएंगे, सातों की सातों, कोई नहीं रोक सकता। टक्कर दिखती है किसी सीट पे? टक्कर किसी चीज से टक्कर नहीं है, हाँ कहूँ टक्कर नहीं है। पहला नंबर हमारा आम आदमी सीएम का है। झाड़ू जीतेगा, पूरा सपा कर देगा सबको, पूरी दिल्ली में सपा कर देगा, आप देख लेना। और आज भी देख लिया हुआ जनता को, आप कोई मोल की जनता नहीं थी, सारी कार्यकर्ताओं की जनता थी, महरौली की जनता थी, यहीं की जनता थी, ऐसी नहीं थी मोल की जनता हुई है। पर तो लोगों में जोश है कि हमारी लेट से फ्री है, बत्ती फ्री है, पानी फ्री है और बुजुर्ग को तीरथ कराया। ऐसी किसी सरकार ने बुजुर्ग को तीरथ नहीं कराया। तो हमारी लेडसें को अब 1000 रुपया फिर भी कर दिए, 1000 रुपया हर लेडस की 18 साल की है, उसको माँ बहन कोई हो इसकी सबकी पेंशन आएगी। और पहले हमारा जो बजट था वो 28 करोड़ था, आज 75,000 करोड़ है दिल्ली का बजट, जबकि सब लोग फ्री हैं और इतना काम हो रहा है। आप बताइए सर, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपकी रोजी रोटी नहीं लगेगी। 200 रुपये का तेल है, 40 रुपया किलो आटा है, महंगाई कहाँ पे? 10,000 रुपया सैलरी है तो 11 तो नहीं हो रही है कहूँ पर। वो ही हो रहा है कि भाई वो बहनो, मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, तो मंदिर मस्जिद तो भगवान तो आप में, हम में, सब में। किसी ने कहा है कि मन की तड़ंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी समार ले बस यही तो है भजन। मंदिर तो यूँ है, मंदिर तो मनुआ तहाँ चले जा, भगवान ने हुआ नहीं, यहाँ भगवान तो हर जगह है। दिल्ली में कितना फायदा मिलने वाला है अरविंद केजरीवाल की बेल के बाद? बिल्कुल सातों सात सीट मिलेगा। तो केजरीवाल के क्या कुछ आपको काम अच्छे लगे हैं, आप चाहते हैं कि संसद में भी? महिलाओं का बस फ्री कर दिया और पानी बिजली, मैं तो बहुत एसी चलाने लगा था मेरा 4 महीना। आगे प्रत्याशी हैं साईराम पहलवान, जीतते हैं तो क्या कुछ उम्मीदें लगाते हैं कि इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हो? नहीं, उसको केजरीवाल एडवाइस करेंगे, उसको पहलवान जीतेगा तो उसको एडवाइस करेंगे, वो करेंगे, केजरीवाल का सामने चलेंगे। भाई जैसे मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूँ और ना कोई हिंदू और मुस्लिम से मतलब है, केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है और अच्छा विकास की बात करता है। 400 पार का आंकड़ा दे रही है बीजेपी, तो कहने वाली बात है, आपके 200 नहीं पार होगा। अच्छा। कहने वाली बात है। और दिल्ली के अंदर वो, अरे क्या नाम है, इसे डंडर केस हो जाते थे दिल्ली में, कोई उठाने वाला नहीं होता था। केजरीवाल जी ने अच्छा उसका फार्मूला बनाया कि आज के डेट में उसका कोई भी इलाज कहीं कभी दुनिया का रहने वाला हो, अगर दिल्ली के अंदर इंसिडेंट हो जाता है तो उसका इलाज दिल्ली सरकार करती है। और हम लोग आज गरीब के झुग्गी झोपड़ी के लड़के, जिस मोहल्ले में निवासपुरी में मैं रहता हूँ, 60 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, तो किसको फायदा अच्छा बताएंगे वो?
केजरीवाल को बताएंगे ना। इस बार आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि दिल्ली में 7 सीटों में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी? केजरीवाल जी को तो सारी सीटें चारों की चारों आएंगे केजरीवाल जी की। बाकी कांग्रेस के ऊपर भी ठीक ठाक है हालात, केजरीवाल जी की वजह से वो भी सीट पे अच्छा है, उनका विकास जो आएंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की रैली में आए थे, हमने इनसे बातचीत की, इनका साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दिल्ली में कार्य विकास करवाए गए हैं, जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो महिलाओं को सुविधाएं दी गई है, इसके आधार पर इस बार वो वोटिंग करेंगे और चाहते हैं कि दिल्ली की जो 7 सीटों में से जो भी 4 से 5 सीटें हैं या 7 सीटें हैं वो अरविंद केजरीवाल के खाते में जाए और जो दिल्ली का विकास जो कहीं ना कहीं रुका हुआ है फिर वो करवा सके। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।